1972 में अटारी ने दुनिया की सबसे पहली सही मानों में वीडियो गेम बनाई। उस गेम का नाम था पोंग और ये गेम आज भी काफ़ी मशहूर है और अभी भी अगर किसी आर्केड में जाएंगे तो आपको यकीनन ये मिल जाएगी। सिस्टम देखिए, मेरे तो बचपन से मैं गेमर हूँ। मैं मतलब फोर्थ फिफ्थ में था तो मैं अटारी लेके आया था। मैंने लाहौर से अटारी ली थी। मैं अपने रिलेटिव्स के घर गया था तो मेरे वालिद साहब बड़े सख्त थे, वो गेम्स को पसंद नहीं करते थे। फिर मैंने जब ले के आया, मैंने किसी दोस्त ने गिफ्ट की है तो बस मैं ले आया, फिर वहीं से शौक डिवेल्प हो गया। तो फिर आपने ये तो सुना ही होगा, द बिगर दे आर द हार्डर दे फॉल, और यही कुछ हुआ है वीडियो गेम इंडस्ट्री के साथ 1983 में। 1983 से लेके 85 तक जो वीडियो गेम से रेवेन्यू जनरेट होती थी वो 3.2 बिलियन से 100 मिलियन तक चली गई। ऑलमोस्ट 97% डिक्लाइन इन रेवेन्यूज़ और वीडियो गेम इंडस्ट्री टोटली क्रैश कर चुकी थी। लेकिन 18 अक्टूबर 1985 को निंटेंडो ने अपना पहला गेमिंग कॉन्सोल रिलीज़ किया, दी NES, और इस कॉन्सोल ने गेमिंग का एक और एरा शुरू कर दिया। यही वो कॉन्सोल है जिसकी वजह से अभी तक गेमिंग जिंदा है, क्योंकि इस कॉन्सोल ने गेमिंग को एक दूसरी जिंदगी दी थी। इस कॉन्सोल की रिलीज के साथ ऐसी कोई लेजेंडरी गेम्स रिलीज हुई थी, जैसे कि सुपर मारियो ब्रदर्स हो गई, लेजेंड ऑफ जेल्डा होगी, मेट्रॉइड होगी, ऐसी गेम्स जिनकी सीरीज अभी तक चल रही हैं 2020 में भी। और ये गेम्स अब निंटेंडो का एक लेजेंडरी सा सिंबल बन गए। दे आर अ पीस ऑफ हिस्ट्री। NES के सक्सेस के बाद निंटेंडो ने 1989 में एक और ऐसा कॉन्सोल रिलीज किया जो उनका एक लेजेंडरी सिंबल बन चुका है, द फर्स्ट एवर पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस। Introducing Game Boy. It's portable, it's in stereo, and its games are interchangeable. Game Boy. Mostly Nintendo और Sega ने कंट्रोल की गेमिंग को 1995 तक, लेकिन उसके बाद एक ऐसा कॉन्सोल आया जिसने गेम्स को एक और रियलिटी बना दिया, एक अलहदा वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया, और वो कॉन्सोल था द ओरिजिनल प्लेस्टेशन। ये प्लेस्टेशन पहला कॉन्सोल था जिसने 3D गेमिंग, सही मानों में 3D गेमिंग को इंट्रोड्यूस करवाया, एंड इट वॉज द फर्स्ट कॉन्सोल ऑफ अ लेजेंडरी सीरीज। प्लेस्टेशन 1 की ह्यूज सक्सेस के बाद सोनी ने 2000 के अंदर अपना प्लेस्टेशन 2 रिलीज़ किया, और उनको क्या पता था कि जो कॉन्सोल वो रिलीज़ कर रहे हैं इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट सेलिंग कॉन्सोल टिल दिस डेट। उसके बाद 2008-09 की बात है तो मेरे कज़न्स हैं, वो आए थे कनाडा से पाकिस्तान, तो वो ना मेरे दोस्त दो साल बड़े हैं मुझसे, तो वो फुल हार्डकोर गेमर थे उस वक्त। तो मैं उनके पास गया तो उनके पास उस वक्त था PS2, जो फैट वाला नहीं होता वो, उसके वो ड्रैगन बॉल ही बुढ़ का खेले थे। हम गए उनके घर तो उन्होंने मुझे भी खिलाई, तो मैं तो परेशान कि यार ये क्या चीज़ है, इतने कमाल 3D ग्राफिक्स और क्या कहते हैं ड्रैगन बॉल जी। मैं ड्रैगन बॉल जी का बहुत बड़ा फ़ैन बॉय था, तो मैं बहुत ज़्यादा हुआ कि यार ड्रैगन बॉल जी खेल सकते हैं हम, वी कैन प्ले एज गोकू, तो दैट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग फॉर मी। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी 2-3 और गेम भी खेली, एंड मेरा तो हो गया था यार ये क्या, ये कैसे हो गया, ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी कब आई है, मुझे भी नहीं पता था। फ़ौरन भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास गया, मम्मा पापा मुझे ले दें PS2 छोटा सा था मैं उस वक्त, तो वो भी जिद उन्होंने मुझे मेरी पूरी कर दी, PS2 भी मैंने ले लिया, और वही वाला PS2 भी मेरे पीछे भी पड़ा हुआ है। तो PS2 से जो लेजेंडरी मेमोरीज है ना मेरी यार, वो लेट नाइट गेमिंग अपने कज़नों के साथ, ड्रैगन बॉल जी के अंदर टूर्नामेंट्स लगाना, टेकन खेलना, प्रिंस ऑफ पर्शिया के प्लेटफॉर्मिंग सीन्स जो होते थे, प्रिंस ऑफ पर्शिया के जो वो क्या कहते हैं फाइटिंग सीन्स, और स्पाइडरमैन की जो वेब स्लिंगिंग मैं करता था, उफ यार लेजेंडरी टाइम, कसम से इट वाज अ लेजेंडरी टाइम। मैंने इतना खेला ना PS2 कि मैं लिटरली टिल दिस डे आई प्ले PS2। अभी पिछले महीने में एबटाबाद जब गया था तब वहाँ पर भी मैं PS2 ले गया था अपने कज़न के साथ पुरानी मेमरीज क्या कहते हैं रिलीव करने के लिए। So PS2 really changed my life, यार।
मेरी गेमिंग लाइफ स्टार्ट होती है व्हेन आई वाज अराउंड 3। मेरे कज़न था अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला नहीं एक और अब्दुल्ला था, ही बॉट एन PS2 बैक देन। उस टाइम जिसके बाद PS2 होता था उसको कूल किड या रिच किड कहा जाता था, और मतलब पैम्पर्ड बॉयज़ जो होते थे ना उनके पास होता था PS2 उस टाइम। हर किसी के पास नहीं होता था, ना हर किसी की रेंज में होता था उस टाइम। पेरेंट्स भी इस टाइप के थे कि नहीं गेमिंग इज़ ट्रैश और ये सब कुछ, तो उसके फादर बाहर से लाए थे, तो PS2 फैट होता था। तो मैंने एक दफ़ा खेला उसके PS2 पर GT, तो मुझे ना बहुत पसंद आई उसमें। मतलब मिशंस वगैरह छोटा था, 4-3 ईयर्स का था, मुझे कुछ पता था नहीं, गाड़ी वगैरह चलानी आती थी, तो मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर GTA San Andreas उसने परचेज़ की, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ, उसमें नई गाड़ियाँ थी और सब कुछ। फिर मैंने इवेंचुअली व्हेन आई वाज 4 तो मैंने ख़ुद परचेज़ कर लिया 2010 में। जो प्रॉपर मेरा फर्स्ट गेमिंग कंसोल था ना, वो था जी PS2। यार PS2 के साथ लेजेंडरी यादें, बहुत गेमें खेली थी PS2 पे। जहाँ तक मुझे याद है ना, जो मैंने बहुत ज़्यादा खेली थी यार, वो थी जी ट्विस्टेड मेटल, फीफा, ड्रैगन बॉल जी 10 काइची 3 और गॉड ऑफ वॉर। यार ये चार गेमें बहुत ज़्यादा, मतलब मेन मेरा PS2 का टाइम इन चार गेमों ने ही गुजारा है। तो 2001 के अंदर PS2 से कम्पीट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला गेमिंग कॉन्सोल बनाया, द ओरिजिनल एक्सबॉक्स। लेकिन जैसे आपको पता है, PS2 ने ना सिर्फ एक्सबॉक्स का आउटसेल किया है, बल्कि जितने भी कॉन्सोल्स अभी तक एग्जिस्ट करते हैं उनसे ज़्यादा बिका है PS2। 2005 में एक्सबॉक्स ने अपना दूसरा कॉन्सोल रिलीज़ किया, द एक्सबॉक्स 360, और यही वो कॉन्सोल है जिसने पाकिस्तान में गेमिंग का ट्रेंड बनाया। तो फिर उसके बाद एक एक्सबॉक्स 360 था मेरे ख्याल में, वो लिया था। उस पर भी वो ऑनलाइन नहीं था, कोई जे टैग था मेरे ख्याल में, तो फिर उस पर भी ऑफलाइन गेमें ही खेल रहा था। उस पर मैंने खेली हैं कोई GTA San Andreas थी शायद, या वाइस सिटी, वो खेली हैं काफ़ी ज़्यादा, और एक दो और रेसिंग गेम्स थी बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर थोड़े टाइम बाद मैंने उसके लिए लिया एक सेंसर, Kinect सेंसर कहते हैं उसे, तो उस पर मैंने खेली कोई जस्ट डांस वगैरह बस ऐम ही काफ़ी, लेकिन मज़ा तो आया था उस वक्त, छोटा था मैं। 2012 की बात है, आई वॉज अराउंड 7 और 8, तो उस टाइम मेरा एक दोस्त होता था, भाइयों वाला सिस्टम था, उसके साथ भाई था मेरा ऑलमोस्ट, मतलब बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसने एक्सबॉक्स 360 लिया, उसके नई नई GTA 5, उसकी हाइप थी GTA 5। मैंने एक्सबॉक्स 360 ले लिया उस टाइम, मैंने GTA 5 खेली, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं स्टोरी गेम्स की तरफ आया, मैक्स पेन टाइप की। 2013 में मैंने एक्सबॉक्स 360 लिया था, तब जो है ना एक्सबॉक्स और PS3 की राइवलरी भी बहुत चल रही थी कि एक्सबॉक्स बेहतर है PS3 बेहतर है। तो जो है ना एक्सबॉक्स में मैंने एक्सबॉक्स 360 लिया था। एक्सबॉक्स 360 जो है ना, मतलब प्रॉपरली मैंने कॉड एक्सबॉक्स 360 पे ही खेली थी, कॉड ब्लैक ऑप्स की सीरीज, कॉड मॉडर्न वॉरफेयर जो है ना, दोस्त ने मुझे एक दफ़ा खिलाई थी अपने घर पे, तो जो है ना मुझे भी वहाँ से ही शौक पड़ा था। मैंने भी कहा यार ये तो बड़ी अच्छी लग रही है गेम, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो जो है ना असल जो है ना शौक और मुझे कॉड का फैन बॉय मैं बना ही एक्सबॉक्स की वजह से था। एक्सबॉक्स 360 और PlayStation 3 दोनों ही बहुत सक्सेसफुल कॉन्सोल्स थे, और इन कॉन्सोल्स के ऊपर कुछ लेजेंडरी गेम्स शुरू हुई हैं, जैसे कि अनचार्टेड, लास्ट ऑफ अस, हेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी, जिन्होंने ट्रेंड पकड़ा है, और अभी तक नए कॉन्सोल्स के ऊपर इनके सीक्वल्स आ रहे हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। November 2013 में PlayStation 4 रिलीज़ हुआ, और उसके मुकाबले में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना तीसरा कॉन्सोल एक्सबॉक्स 1 रिलीज़ किया। 2015 29th अक्टूबर को उस दिन मैंने लिया था अपना पहला PS4, और भाई उस दिन के बाद से ना मेरी ज़िंदगी टोटली चेंज हो चुकी है। तो जब मैंने PS4 लिया ना, उसके पास मैंने 2K16 ली, WWE ली मैंने, फिर नीड फॉर स्पीड ली मैंने, Assassin's Creed खेली मैं, स्टोरी गेम्स में आया। खैर असल मुझे जो गेमिंग के अंदर स्टोरी गेम्स का शौक चढ़ा था, वो मुझे चढ़ा था अनचार्टेड की वजह से।
अनचार्टेड 4, अनचार्टेड 1, 2, 3 और लॉस्ट लेगेसी सारी मैंने खेली हुई हैं एंड दे आर वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स ऑफ ऑल टाइम। एंड जब भी मैंने रीप्ले भी किया अभी थोड़ी अरसे पहले, मैं 2016 में खेली थी ये सारी गेम्स, तो तब तो मेरी मतलब कि दुनिया ही बदल गई थी कि यार ये भी कोई चीज़ होती है। तो अनचार्टेड खेली, लास्ट ऑफ अस खेली भी मैंने, काफ़ी सारी गेम्स खेली हैं। स्टोरी गेम्स तो मैंने ऑलमोस्ट सारी जो मेन स्टोरी गेम्स हैं ना वो मैंने खेली हुई हैं। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन गेम्स भी खेली हुई हैं। मैंने 2016 में पहली दफ़ा PS Plus लिया था जिससे मैं असल ऑनलाइन गेमिंग में आया। Battlefield 4 मैं खेलता था, Battlefield 1 मैं खेलता था, Call of Duty भी थोड़ी बहुत खेली है, कज़न के साथ मैं बहुत खेलता था। उसके बाद 2018 के शुरू के अंदर Fortnite जब आई तब मैंने खेलना शुरू की, और उसके बाद से मुझे समझ आया कि गेमिंग इज़ लाइक सिर्फ ये एक अकेलेपन की चीज़ नहीं है, ये ऐसी कोई हॉबी नहीं है जो आप सिर्फ अकेले मतलब कर सकते हैं अकेले, लेकिन यू डोंट हैव टू, इसका एक बहुत बड़ा सोशल एस्पेक्ट भी है। तो हमारा एक प्रॉपर ग्रुप बन गया फोर्टनाइट का, और हमारा एक प्रॉपर स्क्वाड बन गया जिसके अंदर हम खेलते थे हर रोज़ पूरा दिन। उसके बाद जी मेरे बाबा गए दुबई, वहाँ से मैंने उन्होंने मेरे से पूछा ना कि भाई क्या कुछ लाना है, तो फिर ये अब्दुल्ला खान ने मुझे सजेस्ट किया कि आप PS4 मंगवा लें। ये है 4 साल पहले की बात मेरे ख्याल में। तो फिर वो PS4 आ गया कोई महीने तक, फिर उस पर मैंने खेली माइनक्राफ्ट। कोई मैंने अभी इसका अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाया था ऑनलाइन के लिए, माइनक्राफ्ट खेली जी, उसे असैसिन्स क्रीड खेली थोड़ा टाइम 1-2 महीने शायद, फिर वो PS4 पड़ा गया। फिर कोई 2018 के स्टार्ट में मुझे पता लगा एक गेम फोर्टनाइट, ये फिर मैंने PS4 अपना फिर से स्टार्ट किया, तारे शारे लगाई, नेट से कनेक्ट किया, उसे लगा दिया डाउनलोडिंग पे, फिर मैंने स्टार्ट की खेलना कोई मिड 2018 में शायद, और तब से ले कर 2019 के बीच तक मैंने बहुत खेली है। 2016 के स्टार्ट में जनवरी के अंदर, हाँ जनवरी थी आई गेस, उसके अंदर मैंने PS4 परचेज कर लिया, नया उस टाइम आया था PS4 Slim, मैंने वो परचेज कर लिया। तो वो मैंने स्टार्ट किया, मैं खेलता रहा। उस टाइम ऑनलाइन का मतलब इतना नहीं पता था क्या हिसाब होता ना, PS Plus ने इस चीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं थी पाकिस्तान में। तो मैं उस टाइम भी मैंने उस टाइम ड्राइव क्लब ली, सारी NFS की सीरीज ली, उस टाइम NFS ड्राइवर्स होती थी और NFS 2015। उसके बाद फिर मतलब पे बैक और हीट वगैरह वो भी मैंने खेली सारी। एनीवेज फिर मैं मतलब इन गेम की तरफ भी आ गया, स्टोरी गेम्स की तरफ, मैक्स पेन की वजह से। फिर मैंने अनचार्टेड खेली, लास्ट ऑफ अस खेली और ये सब खेला। फिर GTA, फिर 2017 के अंदर GTA ऑनलाइन मतलब PS Plus वाला सारा पता चला और GTA ऑनलाइन की तरफ आया। PS Plus GTA ऑनलाइन मैंने खेली थी, 2 दिन का ट्रायल PS Plus का मिलता था, वो लेकर मुझे बहुत पसंद आई वो गेम। मैंने फिर एंड पे वो ले लिया, 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन ले ली PS Plus की। मैं खेलता रहा अराउंड 8 मंथ्स मैंने उसको बहुत खेला ऑनलाइन को, मतलब 4-5 दोस्त बना हुआ था ग्रुप, उसके अंदर हम खेलते थे। फिर उसके बाद 8 मंथ्स बाद एक गेम आई फोर्टनाइट, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फोर्टनाइट खेली, 1.5 ईयर तो आराम से खेला, और इस लेवल पर खेली है कि सारा दिन मैं उस पर होता था, उठता बाद में था, गेम पर पहले होता था, और आखिरी मतलब आँख बंद करने से पहले तक मैं गेम पर। 2013 के नवंबर में आप लोगों को पता है PS4 लॉन्च हो गया था, और साल बल्कि 3 साल बाद हाँ जो मैंने जो है ना वो लिया था PS4 पहली दफ़ा, यार ग्राफिक्स और वो तो देख के उड़ गया था मैं, तो मैंने कहा यार ये क्या, मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ था जब पहली दफ़ा PS4 लिया था। और मेरी पहली गेम थी PS4 पे जो है ना वो थी Black Ops 3। यार वो जो गेम है ना उस पर जो है ना मैं काफ़ी वेट किया था, मैं मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो ब्लैक ऑप्स 3 के बाद भी बहुत गेमें खेली हैं PS4 पे, तो बहरहाल बहुत ज़्यादा गेमें आई हैं, मुझे तो खुद याद नहीं है मैंने कितनी गेमें खेली हुई हैं। 2015-16 में मोबाइल गेम्स का काफ़ी ट्रेंड आता जा रहा था, और स्पेशली ऑनलाइन मोबाइल गेम्स काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, जैसे कि क्लैश रॉयल होगी, क्लैश ऑफ क्लैंस होगी, CSR रेसिंग्स होगी। लेकिन 2018 के शुरू में 2 ऐसी गेम्स आई जिन्होंने गेमिंग हिस्ट्री टोटली चेंज कर दी, और वो 2 गेम्स थी पबजी मोबाइल और फोर्टनाइट मोबाइल। GTA Vice City खेलता था,
फिर हल्के हल्के करके और अच्छी अच्छी गेम्स खेलने लगा, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, ऐसी अच्छी अच्छी गेम जब मल्टीप्लेयर गेम्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और ऐसे ऐसे करके मैंने वैलोरेंट शुरू की, पबजी शुरू की, सीएस। गेमिंग के अंदर आया था, मैंने सबसे पहले सुना फ्रेंड्स के पास सुन के कि कौन सी ये गेम अच्छी है जिसका नाम है फोर्टनाइट, तब से मैं गेमिंग कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले भी मैंने काफ़ी गेम्स खेली जैसे कि फीफा है और भी गेम्स थी, लेकिन अब जिन सी मेरी मेन गेम है वो मेरी फोर्टनाइट है, और उसके ऊपर मैं कंपेटिटिव भी खेलता हूँ और काफ़ी अच्छा भी हूँ। मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हुए हैं, जैसे कि प्ले स्टेशन पर कह लो GTA 5 हो गई, नीड फॉर स्पीड हो गई, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 हो गई, वॉच डॉग्स हो गई, और मोबाइल पे पबजी है, फोर्टनाइट है, ब्रॉल स्टार्स है, क्लैश रॉयल है, इस तरह की काफ़ी सारी गेम्स हैं। पबजी मैंने ऐसे स्टार्ट की, जैसे पहले मैंने इसके बारे में ना बहुत सुना था, बहुत सुना था इसके गेम के बारे में, और ये मेरी पहली गेम थी जो मैंने इस तरह काफ़ी उसके साथ खेली है, लेकिन इससे पहले मैंने कोई गेम नहीं खेली, सिर्फ मैंने पबजी ही खेली है। और क्या कहते हैं सीज़न 4 में मैंने स्टार्ट की थी, और उस टाइम मुझसे इतना नहीं खेला गया क्योंकि मैं वैसे भी नया था और मुझसे बिल्कुल नहीं खेला गया, मुझे समझ नहीं आई गेम की ये वो। फिर मैंने 2 वीक्स के बाद मैंने बैकआउट कर दिया और मैंने ना गेम ही डिलीट कर दी, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही ये वो। और फिर सीज़न 6 में जाके मैंने फिर से डाउनलोड की और फिर मैंने खेलना शुरू किया, तब मुझे काफ़ी दोस्तों से पता लग गया था, उनने भी कहा कि यार खेलते हैं आ जाओ, 2 साल हो गए खेलते हुए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन और मैंने पबजी खेलना लॉकडाउन में शुरू की थी दोस्तों के कहने पर, फिर मुझे मेरे दोस्त नूब कहने लगे, तो मैंने अपना गेम प्ले अच्छा करने की कोशिश की और हो भी गया, बट टाइम बहुत लगा। गेमिंग इज़ अ पीस ऑफ आर्ट, आप गेमिंग के थ्रू ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आप असल ज़िंदगी में नहीं कर सकते। गेम्स को आजकल एक बहुत छोटे स्केल पर देखा जाता है, सिर्फ एक टाइप ऑफ गेम को देखा जाता है, वो है एक्शन मल्टीप्लेयर गेम्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी और फोर्टनाइट वगैरह, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स हैं। अगर आपको स्टोरीज पसंद है आपके पास लास्ट ऑफ अस जैसी गेम्स हैं, अगर आपको आर्टिस्टिक गेम्स पसंद है आपके पास जर्नी जैसी गेम्स हैं, अगर आपको एक्शन एडवेंचर गेम्स पसंद है तो आपके पास अनचार्टेड है, आपको फ्यूचरिस्टिक गेम्स पसंद है आपके पास हेलो है, आपको RPGs या फैंटेसी गेम्स पसंद है तो आपके पास Witcher 3 है, अगर आपको रेट्रो गेम्स पसंद है तो आपके पास टेट्रिस होगी, पैकमैन होगी, मारियो होगी, आपको जो चीज़ आपको चाहिए, जिस तरह की आपको गेम पसंद है, जिस तरह का अपने एक्सपीरियंस करना है, गेमिंग हैज़ दैट। आपको जहाज चलाना है आप जहाज चला सकते हैं, आपको गाड़ी की सिमुलेशन चाहिए आप वो कर सकते हैं। गेमिंग इज़ अ ह्यूज एंड वास्ट प्लेटफॉर्म, और जिस तरह आजकल इसको एक बहुत महदूद और एक बहुत छोटी चीज़ समझा जाता है, इट्स नॉट दैट। और दूसरी बात यह कि मेरा कज़न है वो PhD कर रहा है इधर कंप्यूटर साइंसेस में, इधर ये नॉर्वे में, तो वहाँ पे उनको बकायदा एक सेशन दिया जाता है जिसमें वो माइंड रिलैक्स करते हैं, गेमिंग रूम उनको दिया हुआ है जिधर वो जाके जब स्टडी से तंग आ जाते हैं तो वहाँ थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं, मतलब इसलिए ये मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी है, मतलब बंदा रिलैक्स हो जाता है, आपकी टेंशन को रिलीफ करता है। और ये गेम्स वगैरह बहुत फ़ायदेमंद हैं स्ट्रेस्ड लोगों के लिए, जैसे अगर एक बंदा है वो पूरे दिन कहीं ऑफिस से आ रहे या पढ़ के आ रहे, तो उसके पास एक चीज़ होती है जिसपे वो मतलब थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि यहाँ पे बातें वगैरह कर सकते हैं और नए दोस्त वगैरह बना सकते हैं। एक तो मेरा सोशल सर्कल है वो डेवलप हुआ है गेमिंग की वजह से, मेरी जो दोस्तों के साथ बॉन्डिंग है या मेरे कज़न्स के साथ बॉन्डिंग है वो गेमिंग के थ्रू हुई है, इससे हमारी शुगर बहुत लगाया मैंने गेमिंग के अंदर, एंड आई रियली इन्जॉय माई सेल्फ व्हेन आई एम गेमिंग, तो बहुत शुगर भी है, ये बोर नहीं होता बंदा। उसके बाद मैंने स्टोरीज़ का जो मुझे शौक़ है वो भी गेमिंग से हुआ है, और एक और फन फैक्ट ये है कि जिस यूट्यूब चैनल पर अभी आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, अगर गेमिंग में मैं ना आता ना तो मैं ये चैनल भी कभी ना बनाता, क्योंकि जो ये वाला चैनल है ना, This started as a gaming channel. तो gaming has really changed my life. Basically gaming की वजह से ही मैंने vlogging के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि gaming मेरी मतलब जब मेरा बंद हुआ था PS4 तब मैंने vlogging को explore किया था,
तो अगर गेमिंग मैं ना ही करता कभी ना, क्या कहते हैं, मुझे पता ही ना होता गेमिंग का, तो प्रॉब्लली मैं आज यहाँ पर बैठ के ये डॉक्यूमेंट्री भी ना बना रहा होता। गेमिंग के फायदे ये हैं कि आपकी आईसेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और ज़्यादा कंपेयर टू नॉन गेमर आपकी आईसेट नॉन गेमर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। दूसरा गेमिंग का दूसरा ये फायदा है कि आपका माइंड शार्प रहता है और आप क्विक डिसीजन लेते हो। गेमिंग के फ़ायदे तो मुझे सिर्फ दो ही हैं, एक तो मेरे दोस्त मैंने जिस तरह आप और साथ में काफ़ी और साहब मैं, दूसरा तो ये स्कूल का प्रेशर नहीं है उससे बचने के लिए मैं हमेशा गेमिंग की तरफ जाता रहा हूँ। क्योंकि अभी जितने पेरेंट्स हैं वो सारे बैक माइंड गेमिंग क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है और ये सब कुछ है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो उसके टूर्नामेंट्स होते हैं। अभी लास्ट ईयर फॉर्टनाइट वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें बुगा एक प्लेयर है, उसने $3.5 million अर्न किए गेमिंग के अलावा। उसके अलावा जो स्ट्रीम करके और इस सब से अर्न करता है वो अलग है। यार आप ना, अगर मैं ना लाइक बहुत बोरिंग लाइफ थी कसम से, लेकिन अब ना मतलब ये है कि कम से कम ना बंदा बोर नहीं होता इस गेम से। ये आपकी मेमोरी अच्छी करता है, आपकी याददाश्त तेज कर देता है, और ये आपकी ब्रेन की स्पीड को भी ना ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके साथ साथ ना ये आपकी जो कोऑर्डिनेशन स्किल्स हैं उसको भी इम्प्रूव करता है, और आपकी सोशल स्किल्स को। आप देखो जैसे पबजी है और फोर्टनाइट है, एक गेम है ना आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का ना ज़्यादा मौका देती हैं, और आप ज़्यादातर लोगों से मिलजुल पाते हो, नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो ऑफ कोर्स आपकी सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं। गेमिंग से मुझे बहुत से फ़ायदे हुए हैं, जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, और मैं अपने आप को एक कम्पिटिटिव लेवल पर ले सकता हूँ कि मैं अब इस चीज़ के कम्पिटिटिव टेबल हूँ। लेकिन तब मैंने गेमिंग का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी देखा, तब मैंने एक्सपीरियंस किया प्रॉपरली एडिक्शन। मुझे फोर्टनाइट से बहुत गंदी एडिक्शन हो गई थी, बहुत गंदी, मतलब कि समर वेकेशन के अंदर तीन जो महीने होते हैं ना समर वेकेशन के, सुबह उठता था, नाश्ता फोर्टनाइट के साथ, फोर्टनाइट पूरा दिन, फोर्टनाइट पूरी रात, सो गया। ये मेरी रूटीन थी पूरे 3 महीने के लिए, और उसके वजह से मेरी हेल्थ वगैरह सोशली तो उतना नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि वैसे मेरे दोस्त ही इस तरह ही बने, लेकिन मेरी हेल्थ हो गई, मेरी स्टडीज़ वगैरह हो गई, उन पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा था, जो कि फिर मेरे पेरेंट्स ने इस पर एक्शन लिया, उन्होंने मेरा PS4 बंद कर दिया था। गेमिंग के नुकसान ये हैं कि एडिक्शन, जैसे हम किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं कि हम पूरा पूरा दिन गेम्स खेलते रहते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म एडिक्शन हो जाए ना गेम्स की, आपकी लाइक लेजिट स्कूल परफॉर्मेंस पे ना काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, अगर आप गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटेलिज होने लग जाओ। और इसके साथ साथ यार मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनको लिटरली स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते थे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गेम्स खेलते थे। तो एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि आप अपने आप को कितना इंडल्ज करते हो गेमिंग के, क्योंकि आप गेमिंग की एक ऐसी गंदी एडिक्शन है, इंसान गंदा एडिक्ट हो जाता है इसका। मैं हूँ, मुझे आइडिया है, कुछ नहीं नज़र आता सिवाय गेम के, और बस इंसान की सोशल लाइफ और हर चीज़ इफेक्ट होती है, इवन फैमिली मेम्बर्स के साथ इंट्रैक्शन भी इफेक्ट होती है। स्लीप टाइम डिस्टर्ब हुआ है मेरा, थोड़ा सा स्टडी पे भी हर्ट हुआ है, लेकिन ओवरऑल इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मेरा जो आखिरी मैसेज है गेमर्स और पेरेंट्स को, गेमिंग एक बहुत खूबसूरत हॉबी है, एक बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है, एक पैशन है, लेकिन हर चीज़ के अंदर फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो गेमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गेमिंग से किस तरह फ़ायदे उठा सकता है और नुकसान कम कर सकता है। मेरे हिसाब से हर एक गेमर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रूटीन के अंदर एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग रखे अपनी गेमिंग के लिए, कि एक दिन में मैंने कितने घंटे खेलना है, कितना खेलना है, एक हफ्ते में कितना खेलना है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो अक्सर लोग इस वजह से गेमिंग की एडिक्शन के साइकिल में फंस जाते हैं। तो इस साइकिल से निकलने के लिए स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइमिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, और अगर गेमर ना बालिग है, छोटा है, तो यही क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पेरेंट्स के ऊपर आती है कि वो अपने बच्चों को गेमिंग से महरूम भी ना करें, क्योंकि आजकल की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर गेमिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती जा रही है, और ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनको गेम्स का एडिक्ट भी ना बनने दें, इनके लिए स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइमिंग्स करें, वीकेंड्स ओनली कर दें, जो भी आप करना चाहें, तो इससे फिर बच्चे गेम्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं और नुकसान से भी बच सकते हैं। और मेरी बस ये उम्मीद है कि जो प्रोफेशनल गेमर्स बनना चाहते हैं जो हैं, कि जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये प्रोफेशनल गेमिंग को
सपोर्ट करें, यहाँ पर लोकल टूर्नामेंट्स हों, यहाँ पर गेमिंग प्रॉस्पर करें, यहाँ पर गेमिंग का इमेज अच्छा बने। तो ये है गेमिंग का असल चेहरा, द ट्रू फेस ऑफ गेमिंग। If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts, I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you.